अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई इन के ऊ। तो आज की जो अपडेट है एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए, और एक ऐसा मसला जो कि काफ़ी अरसे से जिसका टीचर्स को सामना करना पड़ रहा था, तो इस हवाले से एक अच्छी खबर आई है और आज ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया असाज़ा के लिए। और असाज़ा के हक़ में ना सिर्फ ये एक नोटिफिकेशन है बल्कि एक अच्छा डिसीजन है असाज़ा को फैसिलिटेट करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई इनके मिले, इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नोटिफिकेशन जो हम आप तक पहुँचते रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या टीचर्स के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, कोई अच्छी खबर होती है अलाउंस के हवाले से या दीगर जो टीचर्स से रेलिवेंट इशूज़ हैं उनके हवाले से, तो वीडियोज़ की फॉर्म में जो है आपके साथ शेयर की जाती है। तो अजीब व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मीटरिंग विंग की तरफ से ये आज यानी 3 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तमाम सीईओ जो पंजाब में उनकी तरफ जारी किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है वो सिस डेटा करेक्शन के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 3 तारीख तक ये कहा गया था कि डेटा कम्प्लीट करके जो है वो लाहौर में जो है वो पहुँचाया जाएगा, यानी सीईओ पहुँचाएंगे। तो इस हवाले से आप देख रहे हैं प्रोविजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ टीचर्स डेटा ऑन स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिस SEDHRMS kindly refer to the subject cited above. I am directed to inform that competent authority had desired that the task of correcting teachers data on SIS has been scheduled. जो कि शेड्यूल किया गया था। इन दिस रिगार्ड कंसर्न CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लॉन्ग विद SIS फोकल पर्सन विल अटेंड द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड पर्सनली एट 10 AM 11A लॉरेंस रोड लाहौर लॉन्ग विद ऑल द रेलिवेंट डेटा रिकॉर्ड एज पर गिवन शेड्यूल। इसमें यह कहा गया है कि जो टीचर्स करेक्शन डेटा है वो सीईओ जो है सिस फोकल पर्सन के साथ जो है लॉरेंस लाहौर पे जो है वो 10 बजे जो है वो तमाम डेटा और फाइल्स के साथ आएगा, लेकिन उसका जो शेड्यूल है तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट का वो कुछ इस तरह से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि इसमें सबसे पहले बहावलपुर डिवीजन है जिसमें बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम व्यार खान शामिल हैं। ये 5 मई 2023 को डेटा जो है पहुँचाएंगे सीईओ साहब। और लाहौर जो है इसमें लाहौर, शेखपुरा, कसूर और ननकाना साहब है, ये 8 मई को। और मुल्तान जो है इसमें मुल्तान, खाने वाले लोधरा, बिहाड़ी हैं, तो इनके लिए जो है वो डेट 10 मई है। और सरगोधा जिसमें सरगोधा, खुशाबनी वाली, बखरा है, तो ये 12 मई है। और सहीवाल जिसमें सहीवाल और कॉर्ड पाक पतन, इनके लिए 15 मई है। और गुजरावाला गुजरात, हाफजाबाद, मंडी, बाउदी, नारवा और सियालकोट, इनके लिए 17 मई। और इसके अलावा जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी, अटक, जेलम और चकवाल, इनके लिए 19 मई है। और डीजी खान मुजफ्फरगढ़, लैया और राजनपुर, इनके लिए 22 मई है। और फैसलाबाद टूबोटेक्सन, चनेट और जंग जो है इनके लिए 24 मई है। तो ये व्यूअर्स एक शेड्यूल है नोटिफिकेशन की फॉर्म में, नीचे मलिक गुलाम फरीद डायरेक्टर मॉनिटरिंग जो है उसके सिग्नेचर भी आपको नजर आ रहे हैं। इसी अपडेट के साथ याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।